के नरेश बाबू आपके बताइए बताइए सर इन्होंने बोले देखिए बात कर लिए ये मतलब एकदम सस्तन समझ रहे हैं हमको शराबबंदी वाले बिहार में मास्टर साहब शराब पीकर स्कूल चले जाते हैं। टल्ली इतने होते हैं कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूँ परमवीर सिंह। खबर जो है वो नवादा से है। नवादा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को आप पहले देखिए कि कैसे मास्टर साहब टल्ली होकर स्कूल पहुंचे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा था के? नरेश बाबू आपके बताइए बताइए सर इन्होंने बोले हमारा बता लिए देखिए बात कर लिए ये मतलब एकदम सस्तन समझ रहे हैं हमको आप तो बोल करके जितना बोल रहे हैं सर नहीं। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है नवादा जिले के रजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर का है, जहां पर शुक्रवार को शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे और सहायक शिक्षिका सुनैना कुमारी से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। विद्यालय में उपस्थित अन्य शिक्षकों ने नशे में धुत शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन को महिला शिक्षिका सुनैना कुमारी के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में टल्ली शिक्षक ने अन्य शिक्षकों की भी एक भी ना सुनी और उल्टे शिक्षकों को ही मारने पर उतारू हो गए। महिला शिक्षिका समेत शिक्षकों को मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस वीडियो को शुक्रवार को बनाया गया, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद शिक्षिका सुनैना कुमारी ने रजौली वीडियो अनिल मिस्त्री को आवेदन देकर मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सवाल है कि जिस बिहार में शराबबंदी है वहाँ पर मास्टर साहब शराब पीते हैं और टल्ली होकर स्कूल पहुँच जाते हैं और शिक्षकों को धमकी भी देते हैं, महिला शिक्षकों से अभद्र व्यवहार भी करते हैं। आखिर बिहार में मास्टर साहब ही शराबबंदी कानून का पोल खोल रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।